नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रही हूं जो आपके लिए बिल्कुल बहुत ख़ास है। घर के जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो देश का भविष्य होते हैं और घर के नाम को भी रोशन करते हैं। कई बार कुछ पाप ग्रहों के प्रभाव की वजह से उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं और अभी तो पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब हो रही है सभी बच्चों की। तो ऐसे में कुछ खास उपाय करें जिससे कि कम परिश्रम में ही उनको लाभ मिल सके। देखो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये है कि जो मैं उपाय अब आपको बताने जा रही हूँ उससे रास्ते खुलेंगे और जिनके नंबर कम आते हैं, परसेंटेज कम आती है, या वो दूसरे बच्चों के मुकाबले पीछे रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में सुखद बदलाव आएगा और देखिएगा वो कितने अच्छी परसेंटेज लाते हैं। मेहनत तो ज़रूरी है, कई बार मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है और ये इस तरह के प्रयोग होते हैं जो जीवन में बहुत सफलता को देते हैं। तो आइए जानते हैं पूरा तरीका। आज के वीडियो में आपको ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो विद्यार्थी यदि अपनी पढ़ाई की किताब में रखते हैं तो उनको देखेगा कितना ज़बरदस्त बदलाव महसूस होगा और उनकी पढ़ाई अच्छी भी होगी, नंबर भी ज़्यादा आएंगे। जिनको बार बार असफलता मिल रही है, जिनको बार बार लाभ नहीं मिल रहा है अपनी पढ़ाई का, उनकी तो समझो किस्मत ही चमक जाएगी। तो ये जो उपाय हैं ये ज़रा ध्यान से सुनिए। मैं एक मंत्र आपको बता रही हूँ और उस मंत्र को सिद्ध करना है, वो किस तरह से करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि किताब में रखना क्या है। गुड़मार जो होता है, या गुड़ामार या गुड़मार बोलते हैं, एक प्रकार की वनस्पति है और वनस्पतियों के चमत्कारिक प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में भी बताए गए हैं और स्वयं हमने भी अनुभूत किए हैं कई बार और वो आपसे हमने शेयर भी किया है। तो आज इसी क्रम में आपको बता रहे हैं कि जो गुड़मार की जड़ होती है, इसको किसी शुभ मुहूर्त में बच्चों की जो किताब कॉपी है उस किताब में ही रख पाएंगे। कॉपी में तो बार बार डेली बच्चों को ज़रूरत पड़ती है रजिस्टर वगैरह की, लेकिन किताब की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन किताब में फिर भी सावधानी से रख सकते हैं। कॉपी तो किसी को अगर दे दी तो उसमें भी जा सकती है, तो अपनी किताब को संभाल के रखें। अपनी पुस्तक यदि किसी को देनी भी है तो नया सेट ला कर किसी को देवें। अपने स्वयं की यूज़ में ली हुई किताबें कभी किसी को, जब तक आप पढ़ रहे हैं उससे, वो नहीं देनी चाहिए। इससे तात्पर्य ये निकलता है कि आपको उस विद्या की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा गया है विद्यादान देना चाहिए। आप अपनी ज़ुबानी मुख के द्वारा किसी को भी ज्ञान दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तक का नया सेट लाकर किसी को दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस पुस्तक से आप स्वयं अध्ययन कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपको समझनी चाहिए। कई लोग अपनी जो पुस्तक होती है उसकी बिल्कुल केयर नहीं करते। पुस्तक पे एक तो आपको अपने बहुत सुंदर सुंदर ढंग से अपना नाम लिखना चाहिए। नाम किस तरह से लिखना चाहिए इस पर मैं जल्दी वीडियो दे रही हूँ, वो आपके बहुत काम का है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि वो महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको पता चल सके टाइमली। तो आपको सबसे बहुत सुंदर से अक्षरों में अपनी पुस्तक पर अपना नाम लिखना चाहिए। इसके अलावा पुस्तक कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। पुस्तक पर कवर चढ़ा के रखें, उसको साफ़ सुथरी जगह पर रखें, पुस्तक का अपमान ना करें, पुस्तक पर पैर ना लगाएं। इसके बाद फिर गुड़ मार के जो जड़ है उसको शुभ मुहूर्त में आप अपनी पुस्तक में रखिए। सभी पुस्तक में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी रख लीजिए उसमें, और मंत्र एक आपको फिर डेली जपना है उस पुस्तक को हाथ में लेकर। जो भी पुस्तक आप पढ़ेंगे पहले आप उसको हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करेंगे, बाद में अध्ययन चालू करेंगे। तो आइए जानते हैं वो मंत्र कौन सा है। मोरी सुधारी सो सब भांति, ये मंत्र है। मोरी सुधारी सो सब भांति, ये पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन भी सुनिए। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, ये अगली लाइन है। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, ये मंत्र आपको जपना है। तो पुस्तक में रख दीजिए जो जड़ मैंने बताई, और ये मंत्र आप रेगुलर जपते रहिए तो आप देखिएगा आपको एग्ज़ाम्स में सफलता मिलेगी, आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपकी परसेंटेज गेन होगी। जो लोग आपका मजाक बनाते थे कि आप फिसड्डी हो, वो आपका मजाक बनाना बिल्कुल भूल जाएंगे और आप एक बहुत ही उज्ज्वल स्टूडेंट की तरह सामने आएंगे।